के ऑफिस में चल रहा है ऑडिट, ऑडिट चलता है तो बहुत काम बढ़ जाते हैं। जो हमारा मटेरियल दिसंबर तक कुछ जो मटेरियल, ये देख लीजिए ये हमारी कंटेनर और देख लीजिए मटेरियल कौन सा है, यही मटेरियल है। पीवीसी फैक्ट्री पे बंद था तो अभी चालू है आज। और उधर ये देख लीजिए दावा वाली की गाड़ियाँ, इधर हमारी ये वाली कंटेनर खाली हो गई है, पहले वाली ये अब निकल के रही है, जाएगी ये डायरेक्ट चली जाएगी कलकत्ता पोर्ट पे। मटेरियल में 200 बैग होते हैं, 200 बैग का ये कंटेनर देख लीजिए, कंटेनर आधा आधा खाली हो चुका है, बस आधा और खाली करना बाकी है, इतना सही मटेरियल आप लोगों को। ये अपना मैं सबको रिपोर्ट दिखा देता हूँ, 500 रुपये बचे हैं अपने घर से चलाने के लिए, एक महीने में कैसे 500 रुपये में सर्वाइव करूँगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सुबह के 10 बज रहे हैं और हम अपने आज ऑफिस फिर से आ चुके हैं। कल का ब्लॉग आप लोगों के लिए नहीं बना पाया मैं, इसके लिए सॉरी। और कल का ब्लॉग आधा बनाया हुआ था मैंने, हुआ ये था कि आधा का एक 2-3 बजे तक का मैंने शूट किया हुआ था, 2-3 बजे के बाद मैं थोड़ा एक काम में बिजी हो गया था, 2-3 काम अर्जेंटली आ गए थे। एक्चुअली जो हमारा प्लास्टिक दाना वाला है ना, उसके ऑफिस में चल रहा है ऑडिट, ऑडिट चलता है तो बहुत काम बढ़ जाते हैं, तो उसको ना जो हमारा मटेरियल दिसंबर तक कुछ जो मटेरियल्स थे उसको एक नोटरी पे लिखवा के उसको चाहिए था, तो उस पर हम लोग थोड़ा काम में बिजी हो गए। और उसके बाद एक और काम था उनका, कुछ जो हमारा पुणे वाला मटेरियल आता है ना उस पर कुछ रिसीविंग हम लोग जो दिए थे ड्राइवर को, हम लोग देते हैं कॉपी पे, उस पर स्टाम्प नहीं लगा हुआ था तो उसको भी देना था। तो काम बहुत सारा कल शाम को अचानक बढ़ गया था और उसको अर्जेंटली बेसिस पे करना था और मैं भूल भी गया वीडियो शूट करना, तो इसलिए मैं कल का ब्लॉग आप लोगों के लिए नहीं बना पाया। तो आज का ब्लॉग आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ। और आज की काम की बात करें तो आपको पता ही है 8 कंटेनर हमारा रेजिन पाउडर का आने वाला था, 2-2 करके रोज आ रही हैं, तो आज फिर 2 कंटेनर आई हुई हैं पीवीसी रेजिन पाउडर लेके खाली करने के लिए। और उसके बाद की बात करें तो 5 टन 9 टन 2 टन का लोडिंग है, गाड़ियाँ अभी नहीं आई हैं, गाड़ियाँ आएंगी तो उनमें भी लोड किया जाएगा। ये नहीं पता है कि रेजिन जाएगा कि पाउडर जाएगा, कुछ क्या जाएगा कुछ नहीं पता है। और उसके बाद की बात करें तो इनका कुछ अभी कुछ पता नहीं है, हमारे जिम वाले क्लाइंट का उनका भी कुछ पता नहीं, किसी का कुछ प्लान के बारे में हमें कुछ पता है नहीं। अब मुझे नहीं भी लगता कि आज होगा, अभी होगा तो देखा जाएगा, होगा तो कराया जाएगा, नहीं कराया और नहीं आएंगे तो मौज किया जाएगा, मस्ती किया जाएगा, बैठा जाएगा और क्या किया जाएगा, यही हमारा काम है बैठे बैठे सारा काम करवाना। अगर लोडिंग आएगा तो लोड करवाएंगे हमारे प्लास्टिक दाना वाले के, प्लास्टिक दाना वाला तो लोड आएगा ही, अदरवाइज तो बस बैठना है, लेबर लोग खाली करेगा, खाली कराने में कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है। जो टेंशन रहता है लोडिंग के वक्त रहता है कि लोडिंग के वक्त एक दो बैग एक्स्ट्रा लोड ना हो जाए, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो हमको उस समय केयरफुली लोड करवाना होता है, एक एक बैग काउंट करके लोड करवाना होता है। उस समय लोडिंग के वक्त गार्ड भी गिनता है, मैं भी गिनता हूँ, और यहाँ से जब मटेरियल जाता भी है ना पायलट पर से आगे लोडिंग के लिए, तो वहाँ भी हम लोग इधर से गिन लेते हैं पहले कितना बैग यहाँ से जाएगा तो वहाँ पर लोड होगा, पूरा केयरफुली वहाँ पर काम करना होता है। खैर कोई ना, चलते हैं। जैसे ही इसका अनलोडिंग स्टार्ट होता है कंटेनर को जैसे हमने लगवा दिया, सब कुछ सील वील तोड़वा के सब कुछ रेडी है, बस उसका अनलोडिंग स्टार्ट करना है। तो लेबर लोग आया नहीं है, जैसे ही लेबर लोग आएगा इसका अनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई साहब क्या बोलूँ मैं, मतलब मेरा आज दिमाग ख़राब हो गया है। हम लोग काम करते हैं पूरे 1 महीने रगड़ रगड़ के कंपनी में काम करते हैं कि हमारी सैलरी आएगी तो कुछ हम करेंगे, लेकिन सैलरी जिस स्पीड से आती है ना उसी स्पीड से कहाँ जाती है पता ही नहीं चलता। मतलब विश्वास नहीं करोगे आप, मैंने 1 महीने काम करके 22,000 रुपये सैलरी उठाया, 22,000 रुपये सैलरी आया और कौन सी हवा के झोंके में ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। आप विश्वास नहीं करोगे, बस मेरे पास 500 रुपये बचे हुए हैं अपने खर्चे चलाने के लिए। 1 महीने में कैसे 500 रुपये में सर्वाइव करूँगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आते ही आते 12,000 कहीं, 5,000 कहीं, 2,000 कहीं, 1,000 कहीं, ऐसे करके करके कर सारा ख़त्म हो गया, बस 500 रुपये बचे हैं 22,000 रुपये में सब। मतलब क्या बोला जाए, अब इसी का नाम ज़िंदगी है भाई। नौकरी कर रहे हैं हम लोग, रगड़ रगड़ के मेहनत कर रहे हैं, पैसा कहाँ जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। कहा जाता है ना कि बाप की कमाई से बेटे के शौक पूरे होते हैं, लेकिन बेटे के कमाई से कभी बेटा अपना शौक पूरा नहीं कर सकता, ये हकीकत है। आज समझ में आ रहा है कि अपनी कमाई से मैं अपनी शौक खुद पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी ही ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही है, मेरी ही ज़रूरत एकदम
क्या बोलूँ मैं। ये देख लीजिए, ये हमारी कंटेनर और देख लीजिए मटेरियल कौन सा है। यही मटेरियल है पीवीसी रेजिन पाउडर और ये 20 फीट का कंटेनर है। इसमें टोटल 720 बैग होंगे। तो लेबर लोग आ गया है, नाश्ता पानी कर रहा है। जैसे ही वो लोग नाश्ता पानी कर लेगा, इसका अनलोडिंग स्टार्ट कर देगा। तो अभी मैं अपने ऑफिस से बाहर आया हुआ हूँ और एक बार आप लोगों को ना अपना लॉजिस्टिक पार्क दिखा देता हूँ। अभी देख लीजिए, दूध फैक्ट्री भी बंद था तो अभी चालू है आज। और उधर ये देख लीजिए, दावा वाली की गाड़ियाँ हैं उधर जो देख रहे हैं। दावा वाले के भी 5-6 ट्रक आई हुई हैं। ये जो गाड़ी देख रहे हैं रिलायंस जियो वाले की हैं। और ये जो आप कंटेनर देख रहे हैं, ये है मेरी कंटेनर, देख लीजिए। और इधर देख लीजिए एक बार, ये कपड़े वाले की भी आज गाड़ी आई हुई है। और मौसम इतना सुहाना हो रखा है कि क्या ही बोले। मौसम देख लीजिए एक बार, ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है। धूप तो निकला हुआ लेकिन ठंडा मौसम चल रहा है और हवा भी चल रहा है, आज मौसम भी अच्छा है। तो इधर हमारी ये वाली कंटेनर खाली हो गई है, पहले वाली, ये अब निकल के रही है, जाएगी ये डायरेक्ट चले जाएगी कलकत्ता पोर्ट पे और फिर कल के लिए ये लोड करेगी कंटेनर, क्योंकि अभी हमारा 2 कंटेनर बाकी है। तो 2 कंटेनर अभी कल ये लोग लेके आएंगे फिर से, तो ये चले जाएंगे, नो एंट्री खुला होगा। और ये हमारी दूसरी कंटेनर जो उधर लगी हुई है, ये वाली कंटेनर अब लगेगी लोडिंग पॉइंट पे खाली होने के लिए। ये देख लीजिए जा रही है, और ये कंटेनर हमारी जा रही है अब कलकत्ता। अभी नो एंट्री खुला होगा तो तुरंत कलकत्ता के लिए निकल जाएगी। और ये भी निकल जाएगी आधे घंटे में, 1-1.5 घंटे में, मतलब 2 बजे से पहले पहले ये भी खाली हो जाएगा। तो ये भी निकल जाएगी कोलकाता के लिए। तो अभी फिलहाल हमारा कंटेनर का अनलोडिंग रुक गया है, क्योंकि टाइम हो चुका है हम लोगों का लंच करने का। तो लंच तो मैंने तो कर लिया, लेवल और लंच कर रहा है। लंच करने के बाद 1-1.5 घंटा आराम करेगा, उसके बाद अनलोडिंग स्टार्ट करेगा। और अनलोडिंग करने के साथ साथ एक गाड़ी एक और आ गई है। मैं आप लोगों को बुलाया था सुबह कि 5 टन 9 टन 2 टन का लोडिंग है, तो 5 टन की गाड़ी आ गई है लोडिंग के लिए। उसका प्लान भी आ गया है, 5 टन मटेरियल में 200 बैग होते हैं, 200 बैग आएंगे। और मटेरियल है हमारा प्लास्टिक दाना लोड होगा। मटेरियल बहुत कम ही है, यहीं पर है, ये थोड़ा सा यहाँ पर है, और भी आगे है, इधर भी रखा हुआ है, ज़्यादा नहीं है, बस बहुत कम हो गया है अब। मतलब मान के चलिए कि मुझे 6 टन मटेरियल, 1 टन और चला जाएगा, 5 टन चला गया, 1 टन बस हमारे पास बचेगा। ये देख लीजिए, इतना सारा मटेरियल है, बस इतना ही है, उसके बाद पूरा वेयर हाउस में ये ख़त्म हो चुका है, स्टॉक इसका 0 हो गया है। तो चलते हैं, आपको आगे का कंटेनर भी दिखा देते हैं कितना खाली हो गई है, और छोटी वाली गाड़ी भी दिखा देते हैं जिसमें 5 टन मटेरियल लोड होगा। एक बार ये कंटेनर देख लीजिए, कंटेनर आधा खाली हो चुका है, बस आधा और खाली करना बाकी है। इतना सही मटेरियल है, सारा मटेरियल उधर रखा जा रहा है, देख लीजिए कितना हाइट हो गया है। और ये है हमारी 5 टन वाली गाड़ी जिसमें 200 बैग लोड होगा। सो फाइनली हमने 5 टन वाली गाड़ी को लोड करके छोड़ दिया है। और देख लीजिए, ये रिसीविंग हमने लिया हुआ है, ये देख लीजिए ड्राइवर का मोबाइल नंबर, सिग्नेचर लेके हम लोग छोड़ दिए हैं। और 2 कॉपी हम लोग रख रहे हैं, देख लीजिए ये जो पीला वाला देख रहे हैं अपना, ये पीला वाला हमको कस्टमर आएगा 1 तारीख को, ये पीला वाला कॉपी जितना भी 1 महीने में जितना भी डिस्पैच हुआ रहेगा पीला वाला कॉपी लेकर चला जाएगा। और ये जो 1 कॉपी है, ये 1 कॉपी हम लोग अपने पास रख रहे हैं। तो चलते हैं, वही जो DPR फॉर्मेट है उसमें भी इसको एंट्री करते हैं और अपने स्टॉक में इसको माइनस करते हैं, आपको दिखाते भी हैं कैसे हम कर रहे हैं। तो हमारी कंटेनर खाली होकर जा चुकी है, देख लीजिए पूरा लोडिंग पॉइंट खाली पड़ा हुआ है। और आप लोगों को ये अपना मैं स्टॉक रिपोर्ट दिखा देता हूँ एक बार, ये देख लीजिए, ये हमने डिस्पैच में एंट्री कर दिया है आज का। कंपनी का नाम, पार्टी का नाम है जो, ये इनवाइस नंबर, मटेरियल कोड, सब कुछ इसमें लिख दिया है हमने। गाड़ी नंबर, बैच नंबर, प्लास्टिक बैग कितना बैग गया है, KG वेट में, ट्रांसपोर्टर, सब कुछ लिख दिया है मैंने इसमें, कहाँ गया आजा। और ये देखिए हमारा स्टॉक रिपोर्ट, ये तो सब मैंने कर दिया है। और ये देख लीजिए स्टॉक रिपोर्ट, ये मटेरियल था 10-18 MA, इसमें से मैंने माइनस कर दिया है, बस 54 बैग और बचा हुआ है, 54 बैग बचा हुआ है। ये देख लीजिए 54 बैग दिखा रहे हैं, यहाँ पे मैंने माइनस किया हुआ है, 5 के बाद देख लीजिए -5 लगा के। और ये तो हमारा स्टॉक रिपोर्ट है, इस पर तो हम लोग काम कर ही रहे हैं, ये तो हमारे पास रह जाता है, ये हम लोग सुबह में कस्टमर को भेजते हैं। और ये है DPR फॉर्मेट, जो फॉर्मेट उन्होंने कस्टमर ने भेजा हुआ है, और सेम यही प्रोसेस हम लोगों को ना इसमें भी करना है। ये देख लीजिए कंपनी का नाम, पूरा इनवॉइस नंबर, सब कुछ फिल करके हम लोग रख दिए हैं। अब इसको शाम को हम लोग जब ऑफिस बंद करना होगा तब हम लोग ये मेल कर देंगे, सब कुछ मेल लिख दिए हैं हम लोग, देख लीजिए ये आज का है, नीचे वाला ना सारा आज का है, ये भी सारा हमने कंप्लीट कर दिया है। बस अब शाम को जब जाएंगे तो इनको हम मेल कर देंगे।
सो फाइनली आज का हमारा सारा काम खत्म हो गया है, अब कुछ काम नहीं है, कोई प्लान नहीं है। 9 टन 2 टन का जो गाड़ी मैं बोल रहा था सुबह ना लोडिंग के लिए आएगी, लोडिंग के लिए आएगी, बट वो गाड़ी लोडिंग के लिए नहीं आई, आज नहीं आएंगे भी। बस 5 टन का एक लोड हुआ है और 2 कंटेनर खाली हुआ है। और ये देख लीजिए 6 कंटेनर का मटेरियल हम लोगों ने यहाँ पर रखा हुआ है, मेरे पीछे देख लीजिए, वहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा 6 कंटेनर का मटेरियल हमने यहीं पर रखा हुआ है। खैर कोई ना, अब बैठने हैं, 4 बज रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा वीडियो लंबा करने का कोई फ़ायदा है नहीं, जब कुछ काम है नहीं, कुछ दिखाने को आपके लिए है नहीं, तो कुछ ज़्यादा फ़ायदा है नहीं वीडियो को लंबा करने का। खैर कोई ना, अभी तो हम लोगों को 2 घंटे और बैठने हैं, और 2 घंटे में हम लोगों को कुछ भी नहीं करना, बस बैठे रहना। बाहर तो रिलायंस वाले क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ काम नहीं है, किसी भी और हाउसेस करना मतलब कुछ भी काम नहीं हो रहा। हमारा थोड़ा बहुत हो रहा है, गाड़ियाँ आ रही हैं तो लोडिंग अनलोडिंग हो भी रहा है, बाकी वेयर हाउसेस की तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। खैर कोई ना, शाम को 6 बजे हम अपना ऑफिस बंद करके अपने घर चले जाएंगे। और काम काज की बात करें तो आपको पता ही है, शाम को ऑफिस बंद करने से पहले हमको जो भी एक्टिविटी हुई रहती है उसका रिपोर्ट अपने हेड ऑफिस में भेजना होता है। उसके बाद अपने क्लाइंट को जो DPR फॉर्मेट था, आपको मैं दिखाया भी हूँ इस ब्लॉग में भी आपको दिखाया हूँ, वो DPR फॉर्मेट मेल करना है और कुछ काम नहीं करना। बाकी जो नेक्स्ट डे हमको प्रोसेस करना होता है, स्टॉक रिपोर्ट भेजना होता है, वो भेजेंगे। खैर कोई ना, आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, आप सबों को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं।